राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश को आगे बढ़ाने व आदर्श समाज और समृद्ध भारत को बनाने के लिए कई विचार देश व दुनिया के सामने रखे। गांधी जी के विचारों का उपयोग लोग राजनैतिक भाषणों में तो करते हैं, लेकिन अपने कार्यों में नहीं उतार पाते। नीतीश कुमार जी ने गांधी जी के विचारों को आत्मसात करते हुए बिहार में हर वर्ग के विकास के लिए काम किया है, बिहार को आदर्श व समृद्ध बनाने के लिए काम कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा था, शराब आत्मा और शरीर दोनों का पतन करती है। नीतीश कुमार जी ने चंपारण सत्याग्रह के 100वें वर्ष में अप्रैल 2016 में गांधी जी के विचारों के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए पूरे राज्य में शराबबंदी की। एक महिला ने कहा, अपना अनुभव बताया, कहा कि मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे। शराब बंदी लागू हो गया, अब शाम में घर आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं और अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। इस कदम से बहुत से सामाजिक परिवर्तन देखने को मिले। महात्मा गांधी सिर्फ परिवर्तन नहीं लाए, बल्कि लोगों की आंतरिक शक्ति को जगाकर उन्हें स्वयं परिवर्तन लाने के लिए जागृत किया। उन्होंने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की थी जिसमें आम आदमी केवल सरकार पर ही निर्भर न हो बल्कि स्वावलंबी बने। नीतीश कुमार जी ने जीविका के अंतर्गत 10 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 1,20,00,000 महिलाओं को जोड़ा है। इससे महिलाओं में जागृति आई, साथ ही युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौशल विकास प्रशिक्षण दिया व कई योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं। गांधी जी ने कहा था कि ग्राम स्वराज का अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होना है। गांधी जी के विचारों पर चलते हुए नीतीश जी विकेंद्रीकरण को अपना रहे हैं, इससे गांव-गांव में विकास को पहुंचा रहे हैं। गांधी जी ने बाल विवाह को पाप कर्म बताया और जो भी व्यक्ति दहेज को शादी की जरूरी शर्त बनाता है वो अपनी शिक्षा और अपने देश को बदनाम करता है और साथ ही पूरी महिला जाति का अपमान भी करता है। नीतीश जी ने इसके लिए जो पूर्व से कानून है उसका मुस्तैदी से पालन करवाया है और लोगों को जागृत करने के लिए भी काम किया है। नीतीश जी का विचार है कि दहेज एवं बाल विवाह एक बड़ी सामाजिक कुरीति है जिसे जड़ से मिटाना जरूरी है। गांधी जी मानते थे कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा श्रेष्ठ है। वे चाहते थे कि महिलाएं भयमुक्त, आत्मनिर्भर और सशक्त बने। नीतीश जी ने महिलाओं के लिए पंचायती राज और नगर निकायों में 50% आरक्षण की शुरुआत की। प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 50% आरक्षण दिया। पहले पुलिस, फिर सभी सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया। जीविका के माध्यम से 1,20,00,000 से अधिक महिलाओं को स्वावलंबी बनाया। बालिका शिक्षा, कन्या उत्थान और किशोरी स्वास्थ्य जैसी योजनाओं के माध्यम से आधी आबादी की भागीदारी को सुनिश्चित किया है। गांधी जी का पर्यावरण को लेकर विचार था कि पृथ्वी सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, किंतु उनके लालच की पूर्ति के लिए नहीं। पृथ्वी, वायु, भूमि तथा जल हमारे पूर्वजों से प्राप्त संपत्तियां नहीं है, वे हमारे बच्चों की धरोहरें हैं। गांधी जी ने इनको संवारने व सहेजने का भी संदेश दिया था। नीतीश कुमार जी ने जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़े खतरे के रूप में मानते हुए जल की रक्षा, हरियाली की रक्षा के लिए काम किया। उनका कहना है कि इसी से ही जीवन की रक्षा हो सकेगी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जीव जंतु। इसके लिए उन्होंने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की और लोगों को भी जागरूक किया। गांधी जी स्वच्छता को गंभीरता से लेते थे। उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता, और यदि वह स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ मनोदशा के साथ नहीं रह पाएगा। बापू के 150वें जन्म दिवस के अवसर पर पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। नीतीश जी ने पूरे बिहार को ODF बनाने के लिए एक अभियान चला रखा है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर हर घर स्वच्छ पानी, शौचालय, नाली और बिजली मिल जाए तो बिहार से 90% से ज्यादा बीमारियां खत्म हो जाएंगी। नीतीश कुमार जी ने स्वास्थ्य व्यवस्था एवं संपूर्ण समाज की मानसिक एवं शारीरिक कुशलता के लिए अनेकों कदम उठाए हैं। बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार किए हैं।
जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता, निशुल्क दवाओं का वितरण, निशुल्क जांच सुविधा और एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई है। गांधी जी ने कहा था कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे साकार करने का साधन है। नीतीश जी मानते हैं कि सर्वधर्म संभाव तो भारतीय संस्कृति के रग रग में रचा बसा है। दुनिया के सभी धर्म शांति, प्रेम, अहिंसा एवं विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। परस्पर सद्भाव तथा विविधता में एकता ही सभी धर्मों का सार है। गांधी जी का मानना था कि जब भी कोई काम हाथ में लें, तो यह ध्यान में रखें कि इससे सबसे गरीब और समाज के सबसे अंतिम या कमजोर व्यक्ति का भी लाभ हो। नीतीश जी का मानना है कि जनता की सेवा करने के अलावा मेरा कोई काम नहीं है। राज्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना तथा न्याय के साथ विकास जनता तक पहुंचाने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं।